नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स के टाइप्स क्या होता है और इन आइसोमर्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाद में यही सब चीजें फिर से आप लोगों को दूसरे ऑर्गेनिक चैप्टर्स को समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास दो बीकर है, सपोज मेरे पास दो बीकर है, बीकर ए एंड बीकर बी। अब इन दोनों में क्या है कि दो लिक्विड्स है, दोनों लिक्विड का कलर क्या है, कलरलेस, मतलब पानी के जैसा है। और मुझे पता नहीं है कि दोनों में जो लिक्विड्स है वो क्या सेम है कि नहीं है। देखने में तो दोनों सेम लग रहे थे लेकिन मैं क्लियरली ये नहीं बता सकता हूँ कि दोनों में जो कंपाउंड्स है क्या वो सेम है कि नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया। एक्सपेरिमेंट सेम हम लोग पता कर सकते हैं कि एक सैंपल में एक प्योर सब्सटेंस अगर है उसमें मेरा क्या कंपाउंड है या फिर उस कंपाउंड किससे बने हैं, किन किन एलिमेंट्स किस प्रोपोर्शन में बने हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इन दोनों बीकर में जो कंपाउंड्स थे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास आ रहा था C3H6O। अब क्या हुआ, अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ गया। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि यार क्या ये दो सेम लिक्विड्स है, नहीं। क्या ये दोनों सेम कंपाउंड्स है, नहीं। मैं नहीं बता सकता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये दो कंपाउंड सेम होगा। ठीक है, तो मैंने फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या देखा, लिक्विड ए का मैंने बॉइलिंग पॉइंट देखा। क्या देखा, मैंने बॉइलिंग पॉइंट देखा। जब मैंने लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट देखा तो मुझे मिला करीब 57 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 57 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। एट द सेम टाइम जब मैंने लिक्विड बी को बॉयल करना स्टार्ट किया तो ये करीब 97 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होना स्टार्ट हुआ। तो अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगा। मैं क्या सोचा कि ये दोनों लिक्विड डेफिनेटली मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन सेम नहीं भी हो सकता है, कंपाउंड सेम नहीं हो सकता है। तो इसके चलते हुए मैंने और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और कुछ एनालिसिस किया। बाद में मुझे पता चला कि ये दो कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट है। दोनों का क्या सेम आ रहा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा था बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। व्हाट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, तो जब मैं देखा तो एक कंपाउंड मुझे क्या मिला, कुछ इस तरीके का मिला। एक कंपाउंड मुझे क्या मिला, एक ऐसा कंपाउंड मिला। ये कंपाउंड क्या होता है, ये एसीटोन होता है। तो एक मुझे एसीटोन कंपाउंड मिल गया, दूसरा मुझे ये वाला कंपाउंड मिला, देखना OH। ये क्या है, प्रॉप, मैं क्या बोल सकता हूं इसको, सर प्रॉप टू इनोल। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, इस कंपाउंड में कितने कार्बन्स है, एक दो तीन, एक दो तीन कार्बन्स, राइट। कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और कितने हाइड्रोजन है, छह हाइड्रोजन है। अगर इसमें भी कंपेयर करोगे तो इसमें भी तीन हाइड्रोजन, तीन कार्बन, सॉरी कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और
इधर में हिडन हाइड्रोजन कितना होगा, दो, इधर में एक, इधर में दो, और टोटल सिक्स आ गया। तो अभी हम लोग को इस चीज से क्या पता चला कि ये जो दो बीकर में दो कंपाउंड्स थे, ये दोनों क्या है, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, कुछ भी प्रॉपर्टीज हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, अगर डिफरेंट होता है तो उनको मैं क्या बोल देता हूँ, आइसोमर्स बोल देता हूँ, आइसोमर्स बोल देता हूँ, करेक्ट। तो होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर अब हम लोग को आइसोमर्स का डेफिनेशन बोलने के लिए बोल तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेट आइसोमर्स आर कंपाउंड्स डेट हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो अब आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइसोमर्स को बेसिकली ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। उससे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फिर से कितने क्लासेस में डिवाइड कर लिया गया है इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बेसिकली इन सिक्स टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है और इनको सिक्स टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले पहला हम लोग के पास क्या होता है, चेन आइसोमर। दूसरा हम लोग के पास होता है पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और प्रोटोमर्स। तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। नेक्स्ट अगर स्टीरियो आइसोमर्स के पास आए ये हम लोग, तो स्टीरियो आइसोमर्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कोई कोई इसको अलग से भी बोलते हैं लेकिन अभी के लिए हम लोग ये समझेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या होता है हम लोग का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और एक होता है हम लोग का कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को वापस दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा होता है हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग को स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में क्या डिफरेंस आता है, दोनों तो आइसोमर्स हैं लेकिन एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं ये समझना होगा, तो हम लोग को उससे पहले एक चीज़ देखना होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है और ये मॉलिकुलर फॉर्मूला से कैसे डिफर करता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज मेरे पास एक मॉलिकुलर फॉर्मूला है, तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक मॉलिकुलर फॉर्मूला लेते हैं। सपोज मैं लेता हूँ C3H8O। अगर इस मॉलिकुलर फॉर्मूला को देखो तो इसमें क्या आ रहा है, हम लोग को पता चल रहा है कि कार्बन कितना, कार्बन का कितना एटम है, हाइड्रोजन का कितना एटम से, ऑक्सीजन का कितना एटम से। अगर सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ मैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला, राइट। लेकिन इसी मॉलिकुलर फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा खोल के देखो, मतलब कौन सा कार्बन, मतलब पहला कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे कनेक्टेड है, अगर इस फॉर्म में मैं दिखाऊँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि अगर ये C3H8O का मैं स्ट्रक्चर और उसका एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसे कनेक्टेड है उसको शो करूँ तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, CH3 CH2 CH2 OH। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे कनेक्टेड है, दूसरा कार्बन तीसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन
कार्बन से कैसे कनेक्टेड है, कौन सा कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस फॉर्म में अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स को समझने के लिए हम लोग को ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझना जरूरी है। सपोज मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, C4H10। तो C4H10 तो मेरा क्या हो गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला, राइट। लेकिन इससे बनने वाला एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है, CH3CH2CH2CH3। और भी मैं स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बना सकता हूँ, लेकिन ये एक मेरा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियोइसोमर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग एक मॉलिकुलर फॉर्मूला लेते हैं, C4H10O। अगर इस मॉलिकुलर फॉर्मूला से मैं स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिखता हूँ, तो मैं अभी के लिए दो ही ले रहा हूँ। दो मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आ सकता है, एक तो ये C3CH3CH2CH2CH2OH और एक ये वाला। तो मेरे पास ये दो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या ये दो स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का तो सेम होगा क्योंकि इसमें भी चार कार्बन, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसमें भी क्या आ रहा है, चार कार्बन, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों का अगर कनेक्टिविटी हम लोग देखें तो कनेक्टिविटी दोनों का डिफरेंट आ रहा है। जैसे कि इधर में मेरा एक CH3 कहाँ पे आ रहा था, इस स्ट्रक्चर में बीच में एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, C3H6O। इसमें भी अगर देखोगे, इसका मैं अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करूँ, इससे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मेरा कितना आ रहा है, अभी के लिए मैं दो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम लोग डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है ये कैसे कनेक्टेड है, ये एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और एक कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये कैसे कनेक्टेड है, ये एक साइड से CH3 है, एक साइड से दूसरा CH3। दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो अगर किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड, किसी भी दो कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आता है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। किसी भी दो कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आता है और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो उनको मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। रिमेंबर दिस टू आर नॉट, अगर मैं इन दोनों के बारे में बताऊँ, दिस टू आर नॉट द सेम कंपाउंड्स, ये अलग अलग कंपाउंड होता है लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इनको मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलूँगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए हम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना होगा और उससे हम लोग क्या देखेंगे, अगर डिफरेंस आ गया तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को समझने के लिए। एक मैंने मॉलिकुलर फॉर्मूला उठा लिया है इधर में, ये वाला क्या होगा हम लोग का, ये एक मॉलिकुलर फॉर्मूला है, क्या है, C4H8। अगर इस मॉलिकुलर फॉर्मूला से मैं स्ट्रक्चर्स बनाओ तो अभी के लिए मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं दिख रहा हूँ, मैं खुल के पूरा स्ट्रक्चर इसका एनालाइज कर रहा हूँ। पूरा स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, C4H8 का कुछ इस तरीके का होगा। हम लोग को पता है ये C4H8 क्या होता है, ब्यूटीन, ठीक है। अब ये ब्यूटीन का अगर मैं पूरा अच्छा वाला स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखता हूँ तो कैसा आता है, कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। अब इधर में हम लोग क्या दिख रहे हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है हम लोग का, दूसरा ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है, थ्री डायमेंशन में। अब अगर हम इसमें देखें, पहले वाले में देखें, तो पहले वाले में हम लोग का दोनों CH3 क्या है, सेम साइड में, लेकिन इसमें क्या है, दोनों CH3 अपोजिट साइड में है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताऊँ, इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा,
ये होगा, इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि क्या है कनेक्टिविटी तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर मैं अच्छे से थ्री डायमेंशनली इसको एनालाइज करूँ तो हम लोगों ने क्या देखा कि अरेंजमेंट ऑफ डिस सी एच थ्री या फिर मिथाइल ग्रुप इन डिस टू स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो इधर में क्या पता चल रहा है कि इस एग्जाम्पल में इस मॉलिकुलर फॉर्मूला से हम लोग को क्या मिला, दो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिल रहा था, ये पहला ये दूसरा। अब इन दोनों थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या था, सेम था। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, वन और टू का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट इन थ्री डी, लेकिन क्या है अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। अगर इसको मैं थ्री डायमेंशनली एनालाइज करूँ तो इनका अरेंजमेंट, ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग आ रहा है दो मिथाइल ग्रुप्स का। तो ऐसे आइसोमर्स को मैं क्या बोलूँगा, तो ये स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू के बीच में जो आइसोमर का रिलेशन आएगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि ये स्टीरियो आइसोमर्स होगा। स्टीरियो मतलब ही स्पेस होता है, या फिर थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स से हम लोग फाइनली स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में डिफरेंस समझ में आ गया है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो क्या समझ में आता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर कोई भी दो कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी दो कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम आता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम आता है, बट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन थ्री डायमेंशन अगर उनका डिफरेंट होता है तो उनको मैं क्या बोलता हूँ, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो डिफरेंट टाइप्स का हम लोगों ने बताया था वो उनको हम लोग कैसे पहचान सके, ठीक है। तो थैंक यू।